ऐसा है कि तीसरे चरण के चुनाव के बीच एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर की एंट्री हो गई है और इन सब के बीच में स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय और चाइनीज सेना के बीच में भिड़ंत हो रही है और चाइना की सेना बुरी तरीके से हार जाती है। जानेंगे क्या है मामला, क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस की नैया डुबोने के लिए कभी सैम पित्रोदा आ जाते हैं तो कभी मणिशंकर अय्यर आ जाते हैं और तीसरे चरण के बाद एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर का एंट्री हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर, एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है जिससे कांग्रेस ने दूरी बना ली है। बोला, भैया हम ये नहीं कह रहे हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 1962 के युद्ध को लेकर कह दिया कि चीन ने भारत पर कथित तौर पर आक्रमण किया था। हालांकि उन्होंने इस बयान के लिए माफी मांग ली है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। फॉरेन कॉरेस्पोंडेंस क्लब में एक कार्यक्रम के कथित वीडियो के अनुसार अय्यर ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। अय्यर ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि आज शाम चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरीके से माफी मांगता हूँ। अतीत में अपने टिप्पणियों पर पहले ही इस तरह के विवादों को जन्म दे चुके हैं अय्यर। और एक टिप्पणी इन्होंने एक पुस्तक नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स के विमोचन के मौके पर किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अय्यर ने बाद में गलती से कथित आक्रमण शब्द का इस्तेमाल करने के लिए स्पष्ट रूप से माफी मांगी है और पार्टी मूल शब्दावली से खुद को अलग करती है। रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2020 में चीन की घुसपैठ के लिए उसे क्लीन चिट देने का आरोप भी लगाया। भाजपा के आईटी प्रमुख के विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने अय्यर की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया, मणिशंकर अय्यर ने नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स नामक पुस्तक के विमोचन के दौरान FCC में बोलते हुए 1962 में चीनी आक्रमण को कथित बताया और ये एक निर्लज्ज प्रयास है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि नेहरू ने चीन के पक्ष में UNSC में अस्थाई सीट पर भारत का दावा छोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक गुप्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से धन ले लिया और चीनी कंपनियों के लिए बाजार पहुंच की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट प्रकाशित की। उनके आधार पर सोनिया गांधी की सप्रंग ने चीनी सामानों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया जिससे MSMI को नुकसान हुआ। अब कांग्रेस नेता अय्यर चीनी आक्रमण पर लीपापोती करना चाहते हैं जिसके बाद से चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। मालवीय ने सवाल किया कि कांग्रेस का चीनियों के प्रति प्रेम क्या दर्शाता है। विवाद के मद्देनजर रमेश ने सफाई दी कि अय्यर की उम्र को ध्यान में रखना चाहिए, कांग्रेस उनके मूल कथन से खुद को अलग करती है। साल 1962 में अक्टूबर नवम्बर के बीच भारत और चीन में युद्ध हुआ। उस दौरान चीनी सैनिकों ने मैक मोहन लाइन के पास हमला कर दिया था और भारत के अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया था। खैर, अब यहाँ चुनाव से पहले एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर यहाँ पर छाए हुए हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर देखिए आप इस वीडियो में क्या देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ, एक तरफ चाइना के सैनिक हैं और एक तरफ भारत के सैनिक हैं। दरअसल यहाँ पर रस्साकसी का मुकाबला हो रहा है और इस मुकाबले में भारतीय सैनिक पछाड़ रहे हैं। ये पीस कीपिंग फोर्स है UN की, जहाँ पर ये चल रहा था रस्साकसी का खेल। बड़ा ही 49 सेकंड का ये खेल जो है, अंत में बड़ी ही रोचक खेल देखने को मिला। खैर, भारतीय सेना का अच्छा खासा योगदान UN में रहा है। भारतीय मेजर राधिका सेन को UN की तरफ से अवार्ड भी
भी दिया जा रहा है। कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा दे चुकी भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने उन्हें सच्चा नेता और आदर्श बताया है। कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन में सेवा दे चुकी मेजर सेन को 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के मौके पर विश्व निकाय के मुख्यालय में गुतारेस द्वारा प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मेजर सेन भारतीय बटालियन की कमांडर के तौर पर मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक कांगो गणराज्य के पूर्व में तैनात थी। हिमाचल प्रदेश में 1993 को जन्मी मेजर सेन 8 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुई थी। उन्होंने बायोटेक इंजीनियर के तौर पर स्नातक किया। जब उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला लिया तब वो IIT बम्बई से परास्नातक की पढ़ाई कर रही थी। वो मेजर सुमन गवानी के बाद इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक हैं। मेजर गवानी ने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में सेवा दी थी और उन्हें 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेजर सेन को उनकी सेवाओं के लिए बधाई देते हुए गुतारेस ने कहा कि वो एक सच्ची नेता और आदर्श है। उनकी सेवा समग्र रूप से यूएन के लिए योगदान है। इस पुरस्कार के घोषणा के बाद मेजर सेन ने कहा कि ये पुरस्कार मेरे लिए खास है क्योंकि कांगो गणराज्य की चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करना, समाज में पॉजिटिव बदलाव लाना बहुत जरूरी था। अभी यूएन के लिए काम करने वाली महिला सैन्य शांति रक्षकों में भारत का 11वां सबसे बड़ा योगदान है, फिर भी भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है। ये दिखलाता है कि किस तरीके से देश सोचते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ IMF ने चाइना की रेटिंग तो बढ़ा दी है, लेकिन चाइना की रेटिंग बढ़ाते हुए चाइना को एक चेतावनी भी दे दी है। चाइना के 2024-2025 GDP ग्रोथ रेट को 5% तक बढ़ाया है। पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि चाइना की इकोनॉमी 4.5% रहेगी 2025 के लिए और 2024 के लिए करीब 4 के आसपास रहेगी, पर कहा जा रहा है IMF के द्वारा कि 5 तक जा सकती है। लेकिन इन्होंने भी वही बात कही है कि सबसे बड़ा रिस्क है आपके सामने आपका प्रॉपर्टी सेक्टर। साथ ही साथ IMF ने ये भी चेताया कि देखिए कुछ चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कि आपके डोमेस्टिक सेक्टर में मांग भी कम हो रही है। हमने आपको पहले भी कहा था कि चाइना के साथ एक समस्या उनकी अपनी जनता भी पैदा कर रही है। चाइना का मिडिल क्लास पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा है और इस वजह से जो डिफ्लेशन की चीज है वो अभी तक दूर नहीं हो पा रही है। जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक डिफ्लेशन दूर कहां से होगा। खैर, अब चाइना के अंदर इकोनॉमी को लेकर जहां बहुत सारे झोल हो, वहीं दूसरी तरफ चाइना कोशिश भी कर रहा है अपनी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से ऊपर उठाने की। खैर, चाइना के अंदर मिडिल क्लास को ना बहुत सारा समस्या भी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि चाइना का मिडिल क्लास सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, परेशान रहता है। यहाँ तक कि इस सेक्टर के लिए हेल्थ इंडस्ट्री भी आगे आने की बात कही जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि 2022 तक चाइना में ज्यादातर ऐसे हो जाएंगे जो रिच कंट्री के क्लब में शामिल हो जाएगा। परिस्थितियाँ वैसी दिख नहीं रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।